दलित मुस्लिम एकता मंच भारत की महिला कार्यकारिणी की प्रदेश अध्यक्ष सुनीता यादव के नेतृत्व में महिलाओं का उत्पीड़न रोकने एवं जन समस्याओं का निस्तारण करने के संबंध में जिला मुख्यालय मुरादाबाद पर प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में हस्तगत कराया। महिलाओं के उत्पीड़न के संबंध में भेजे गए ज्ञापन में कहा गया कि उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़ी मुस्लिम महिलाओं का मानसिक उत्पीड़न चरम सीमा पर है। लड़कियों महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है, जिसको लेकर ज्ञापन में मांग की गई है कि उत्तर प्रदेश में दलित महिलाओं के साथ बलात्कार कर उनकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन कार्यवाही में लापरवाही बढ़ती जाती है। ऐसे मामलों में तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए। प्राइवेट स्कूलों में फीस के नाम पर अभिभावकों का उत्पीड़न हो रहा है। फीस न देने पर बच्चों को परीक्षा में नहीं बैठने दे रहे हैं, नाम काटने की धमकी दी जाती है और प्रधानमंत्री योजना के तहत पथ प्रकाश को बैंकों द्वारा 10,000 का ऋण देने का प्रस्ताव किया गया है, लेकिन प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक द्वारा लाभार्थियों को लाभ नहीं दिया जा रहा। दलित मुस्लिम एकता मंच ज्ञापन के माध्यम से यह मांग करता है कि इन मांगों पर उचित कार्यवाही की जाए, नहीं तो दलित मुस्लिम एकता मंच भारत आगे और आंदोलन करने को बाध्य हुआ। ज्ञापन देने वालों में फकीरचंद नागवंशी के साथ शरीफ पहलवान, सतीश, मुकेश, किरण, ओम प्रकाश, शशि, महिला कार्यकारिणी की तमाम महिलाएं मौजूद रही। क्या नाम है आपका? सुनीता यादव। सुनीता जी, कहाँ से आई हैं आप, क्या समस्या है? पटपट से आए थे। समस्या ये है कि यहाँ पे लेडी से बाहर ही निकलती है, वो अकेली नहीं निकल सकती हैं, उनका रेप हो जाता है और फिर उन्हें मार के डाल दिया जाता है। कोई इसके लिए कुछ कदम नहीं उठाया जाता है, बस शुरू में तो कह देते हैं कि हो जाएगा, फिर नहीं होता। दूसरी समस्या ये है कि स्कूलों में पहले तो कह दिया फीस, एडमिशन फीस नहीं जाएगी, और अब वही टीचर जितने भी हैं सब लोग एडमिशन फीस मांग रहे हैं, गरीबों को परेशान कर रहे हैं, बच्चों को भी परेशान कर रहे हैं कि हम तुम्हें एग्ज़ाम में नहीं बैठाएंगे। तीसरी समस्या यह है कि हमारे 10,000 के लोन हुए थे, लेकिन बैंक वाले लोन नहीं कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं जनता को। तो इससे फ़ायदा क्या है इस स्कीमें निकालने का? या तो स्कीमें निकालें तो उसे पूरी करें, या फिर परेशान नहीं करें जनता को। तो क्या चाहती हैं आप? यही चाहते हैं कि इसके ऊपर कुछ कदम उठाया जाए, जो लोन नहीं मिल रहा उसको लोन मिलना चाहिए, और ये एडमिशन फीस जो जा रही है उसके लिए परमिशन जो अभी जो कुछ है उसके लिए माफ़ करी जाए। एग्ज़ाम फीस ले लीजिए, वो ले लीजिए मंथली फीस, लेकिन ये एडमिशन फीस क्यों ली जा रही है जब पहले ही मना कर दिया तो योगी जी ने। क्या नाम आपका? अखिल से नागवंशी जी। किस समस्या को लेकर आप लोगों ने प्रदर्शन किया? आज दलित मुस्लिम एकता मंच की तरफ से महिला प्रकोष्ठ के द्वारा एक माननीय मुख्यमंत्री नाम ज्ञापन भेजा जा रहा है, जिसमें आज के समय दलित उत्पीड़न, मुस्लिम उत्पीड़न, पिछड़ी जाति की महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटना घटी जा रही है, उसको लपेट कर उसको प्रयोग किया जा रहा है, उसे रोका नहीं जा रहा। हमारी माँ बहन बड़ी मुश्किल से सड़कों पर निकल रही हैं, जबकि ये कहते थे कि जब बीजेपी सरकार आएगी तो हम जो है हमारी लड़कियाँ जो सात रात के 12 बजे निकलेंगी, लेकिन रात के 12 बजे दिन के 12 बजे निकलना उनका दुर्भाग्य हो रहा है। दूसरी समस्या यह है कि जो लड़के बच्चे स्कूल में पढ़े हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, अन्य लोगों ने इस पर दिया गया कि फीस माफ़ की जाए एडमिशन, लेकिन एडमिशन फीस माफ़ नहीं की जा रही। लोगों के जो लोन होते हैं, जो गरीब तबका का लोन है, कहते हैं लोन दिया जा रहा है लेकिन उनको लोन नहीं दिया जाता। बैंक के तक चक्कर कटाती हैं, इतनी फॉर्मेलिटी पूरी कराती हैं कि फॉर्मेलिटी पूरी करते थे बेचारा घर थक जाता है। इन समस्याओं से लेकर माननीय मुख्यमंत्री को हम ज्ञापन दे रहे हैं और यही हमारी मांग है। जब तक हमारी मांग निस्तारण नहीं होता है, अगर 15 दिन के अंदर निस्तारण होता है, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन धरना देने का बाध्य हो।